टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लगातार हो रही बारिश के बीच अब हादसों की खबर भी सामने आ रही है। मुंबई के गोविंडी इलाके में एक इमारत ढह गया जिसमें चार लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें, इमारत ढहने की खबर जैसे ही दमकल विभाग को मिली, मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू किया गया और मलबे से घायलों को निकालने का काम शुरू किया गया, जिन्हें घायलों को नज़दीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। गोइंडी में मकान ढहने से चार लोगों की जान चली गई है, जबकि 11 से भी ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, लगातार बारिश होने की वजह से कहीं पानी भर गया है तो कहीं पानी भरने की वजह से घटनाएं सामने आ रही हैं। और इसी तरह से गोइंडी के शिवाजी नगर में सुबह करीब 5 बजे के वक्त ग्राउंड प्लस वन की एक इमारत ढह गई जिसमें चार लोगों की जान चली गई है और 11 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा गोविंडी के शिवाजी नगर में मकान ढहने की वजह से हुआ है। ज़्यादातर जो मकान यहां पर बनाए गए हैं वो ग्राउंड प्लस वन यानी एक के ऊपर एक महले पे महला यहां पर बनाया गया है, जिसकी वजह से बारिश का जो है ये इमारतें मार नहीं झेल पाती हैं और इसी तरह से यहाँ पर ये हादसा हुआ है। गोविंडी के शिवाजी नगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ मकान ढहने से सुबह करीब 5 बजे के वक्त ये हादसा हुआ और चार लोगों की इस हादसे में जान चली गई और 11 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल कुरैशी है। अच्छा बिलाल भाई, हुआ क्या था असल में, क्या मामला था? 4 बजे सर हम लोग सो रहे थे जी, तो अचानक सो रहे थे, बाजू वाला घर सीधा हमारे घर पे गिरा। अच्छा। 4 माले का बिल्डिंग था, सीधा हमारे मतलब लाइन नंबर सी का जो रूम था, रूम नंबर 1, वो गिरा सीधा मेरे घर पे गिरा। हम लोग 6 जन लेटे थे नीचे जी, और 6 के अंक पे हमारे चैनल स्लैब गिरा। 3 जन मेरी बहन भाई साइन में एडमिट है, क्रिटिकल मैटर है, उन लोग एडमिट है। अच्छा। जो वहाँ ट्रीटमेंट चालू है, और मुझे भी आपको कहाँ लगी जरा बताइए ना, स्लैब विलैब लगा इधर पे, ये देखो पूरी बन मार लगी हड्डियों पे, पत्थर इत्थर लगे सर पे, पत्थर लगा हाथ पे लगा। अच्छा। बहुत मार लगी है। और यहाँ जो जिनके रूम गिरा उनकी तरफ से ऐसा था कि कुछ 2 जन का डेथ हो गया है, 6-7 जन के, और 1-2 जन एडमिट है साइन में, और अभी भी कोई एक अभी तक अंदर फंसा हुए। अच्छा। कोई ऐसी से कुछ 28 ईयर्स की लेडीज है, वो अंदर फंसा हुई है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि बीएमसी ने नोटिस दिया हो या फिर रूम डेंजर में हो, ऐसा कुछ था वहाँ पे? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं सर, ये ऐसा हादसा पहली बार हुआ है। अच्छा, ये जैसे गिरने जैसा रूम वगैरह तो नहीं था? गिरने जैसा तो कुछ था नहीं सर, एकदम अचानक में एकदम ओके रूम था, लेकिन अचानक ऐसा हो गया सर। इसके बाद जो 3 रूम जो है डैमेज हुए, एक उस तरफ हाँ, और एक मेरा रूम डैमेज हुआ सर, ये हुआ है कि ये 3 रूम डैमेज। अच्छा, राइट में भी एक ये प्लॉट नंबर 2 आप देख सकते हो, प्लॉट नंबर 2 में एक रूम डैमेज हुआ है। प्लॉट नंबर 3 में जो है लाइन नंबर बी सी और डी, इसके रूम नंबर 1 जो एक एक रूम है वो डैमेज हुए हैं। यहाँ टीम अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी एक जन की आशंका है, जो फंसी हुई लेडी, कोई लेडी है जो अभी भी अंदर फंसी हुई है। और आप देख सकते हो, मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पर कैमरे से, कि टीम अभी भी पूरी तरह मेहनत कर रही है कि जो अंदर फंसा हुआ है भाई कुरैशी साहब, वो कौन है, लेडीज है, जेंट्स है सर? हैंडीकैप है, वो थोड़ी हैंडीकैप है, वो फंसा हुई है। 4 बजे अभी कितना बजा, 10 बजे गए, वो अभी तक अंदर ही है, उसको निकाल रहे फायर ब्रिगेड वाले, बीएमसी मिलके निकाल रही है। देखिए लोकल पब्लिक जो है वहाँ, उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया, उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की एक बहुत बड़ा दस्ता मौजूद है, और यहाँ पर जो बाइक्स खड़ी थी वो पूरी बाइक्स पूरी तरह डैमेज हुई है। ऑटो यहाँ खड़ी रहती है, बाइक्स जो थी वो पूरी तरह डैमेज हो गई है।